जंत्रणारे छटपट बरगड़ सदर ब्लॉक बरगां कॉलोनी साहि बासिंदा शिव प्रसाद जालंग झी नंदिनी गत दुई मास हेला से शय्याशायी मुंडरे गभीर आघात अर्थाभाव जोगु होइपारुनि उच्चतर चिकित्सा जीवन सह संग्राम करुथिबा झीअर चिकित्सा पाई खर्च हेबो लक्षाधिक टंका एथिपाई बार द्वार घूरी बुलुछंती असहाय माँ और बापा ए दुखद कहानी को नहीं गत 11 तारीख दिन आम मेट्रो टीवी चैनल ले लगातार खबर प्रसारित होगा परे नंदिनी को पाख को छुटी सहयोग हाथ बरगढ़ सहर निष्ठा परिवार जनकल्याण सेवा ट्रस्ट और रेनबो पब्लिक स्कूल पक्षर नंदिनी को उच्चतर चिकित्सा पाई आर्थिक सहायता जोगाई दिया जाएगी। सेपरी निष्ठा परिवार पक्षर नंदिनी को उद्धार करी बरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती करी तांकु रक्त चढ़ा जिबा परे आज स्वतंत्र आंबुलांस रे चिकित्सा पाई कटक बड़ मेडिकल को पठा जाएगी। नंदिनी को चिकित्सा पाई जिला प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार सहायता प्रदान करने को दावी होई। आम जितेबले मेट्रो टीवी न्यूज 18 आउ हेडलाइन न्यूज रु आम खबर पाइलु नंदिनी जाल गोटे 16 वर्षर झी खेलकूद करवा समय रे से गोटे संगीन मान जेन तांकर मुंडरे आघात दैजे गोटे निश्चित भाव दुखर कथा। आम आम निष्ठा परिवार टीम बरगाँ जाइलु कॉलोनी पड़ा तांकर घर जाइलु देखलु तांकर अवस्था आम किसी शुखिला राशन सामग्री सागे परिवार के किसी चाउल देलु आर से देखबारे पाइलु नंदिनी जालकर हिमोग्लोबिन कम थिला रक्त टी कम थिला आम गोटे आंबुलांस साहय निष्ठा परिवार तरफ बरगड़ डाक्तरखाना पहुँचकर बी पॉजिटिव गोटे रक्त देवार सागे सागे आज आंबुलांस जोगे कटक बड़ डाक्तरखाना पठाईजे। सर्वप्रथमे मु मेट्रो चैनल हेडलाइन न्यूज रे प्रकाशित नंदिनी रो खबरटा देखला परे बहुत दुखी थी आउ सांगे सांग मेट्रो न्यूज़ रो सार प्रदीप सार को मु जोगाजोग कली आ प्रदीप सार मते तांका घर एड्रेस देबारु मु जाइथिली आउ जे टाइम रे मु जाइथिली से नथिला से गवर्नमेंट हॉस्पिटल रे तार रक्त देबा थिला सेथिपई मु सेटा को पुनी गल्ली घर गाँव रु गला परे मु हॉस्पिटल जाइथिली हॉस्पिटल रे तांका बापा माँ आउ झिया सांगरे कथाबार्ता ही मो द्वारा जहाँ साहय होगा मुझ्य कली आउ मेट्रो टीवी एवं हेडलाइन ओडिशा रे खबर परेशन परे खबर पाली जी बरगाँ ग्रामर नंदिनी मेरुड़ी झी धानकटा मिशिन तार मुंड कटी से बहुत दुर्दशा अच्छी आर्थिक अनाटन अवस्था जितने खबर प्रसारण है किसी मुहूर्त आमको व्हाट्सएप मध्यम जनकल्याण सेवा ट्रस्टर एक व्हाट्सएप ग्रुप खबर पोस्ट होता और पोस्ट देखिकी आम बरगाँ ग्राम को आम प्रतिनिधि दल आम पहुँचीलु महिला गोष्ठी को रिंगी पहुँचीली से जगह आम तर घर को जितने गलु से नंदिनी बर्तमान हस्पिटाल अच्छी खबर पाइलु तर पर किसी लोक मान को आम राशन सामग्री डाली चाउल और राशन अन्य सामग्री सहित माँ पर गोटे नुआ वस्त्र किणीलु झीलपाई मतलब चार सार वस्त्र किणीचु नाइटी किणीलु देकर आसीचु तत्सहित जो खबर पाइल हस्पिटाल के पहुँची आम अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता मैंने जाकि आशु आरोग्य सहित किसी आर्थिक सहायता करूँ और यही आर्थिक सहायता द्वारा जनकल्याण सेवा ट्रस्ट बजाय रोज और आगामी दिन मध्य नंदिनी समस्त सुविधा सुजोग यथासम्भव अनुष्ठान पक्षर हम ताम कर आशा रखु। देशर दिनकु दिन तैल दर वृद्धि पाउथवा बेले संप्रति पनीपरिबा दर उपरे एहार प्रभाव पड़िछि। बाहर राज्यरु आमदानी हेउथवा परिवार अहेतुक दर वृद्धि पाउथवा जणा पड़िछि। लॉकडाउन समय रे पनीपरिबा दर जहा थिला विगत दुई सप्ताह हेला एहा द्विगुणित होइछि। पोटल केजी पिछा 70 रु 80 टंका थिबा बेले बाइगण 50 रु 60 टंका जन्हि 50 रु 60 टंका कलरा 65 रु 75 टंका फुलकोबी 70 रु 80 टंका भेंडी 60 रु 70 टंका एपरिकी सारु केजी प्रति 40 रु 45 टंका दरें बजार में बिक्री होउछि। रोसई घरे परिवा माड़ हेउथवा बेले 200 टंकारे मध्य बैग भरुने। कोरोना कटकणारे व्यापारी माने बहु कष्ट रे बाहर जिला तथा राज्यरु परिवा आमदानी करथुवा बेले तैल दर वृद्धि हेतु एहा वृद्धि पाइछि। सरकार तो कहते हैं सब ठीक रही है बो हिसाब से कौन 8 दिन कि 15 दिन बढ़ुच्छे कौन बारंबार बारंबार दिन को दिन बढ़ुच्छे आज टमाटो किलो 50 टंका आज आज बजार मिलूनी आज आपर कंचा पर जो बायन फाल इत्यादि इत्यादि जो जिनस पनीपरिया सी तो हूँ बर्तन दर बढ़ुच्छे कौटा ठीक आम आप कौन कह सरकार मार्च ठीक वर्षा आरंभ हो फिर पर चाष संपूर्ण भाव क्षतिग्रस्त है
ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ହଳ କରିପାରିଲୁ ଲେବର ମିଳିଲେ ନାହିଁ କାମ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେଲା ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲରୁ ମାଲ ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଦାନୀ କମ୍ ରହୁଛି ପୋଟଳ 20 ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବାୟନ କିଲୋ 60 ବିଲାତି କିଲୋ 60 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ତ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ତେଲ ରେଟ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ମାଲ ଆମଦାନୀ କମିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରେଟ୍ଟା ବୁଝ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ବଧୁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ମୃତକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ରୋଜାଲିନ ଲେଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ବୁଲା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରୋଜାଲିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋଜାଲିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଉଭୟ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 14 ଦିନ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ନିକଟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଦିନଠାରୁ ବୁଲା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାଳୀକୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିବା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୋଜାଲିନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିସି ଶାନ୍ତିଲତା ଦଳେଇ ଗତକାଲି ଉଭୟ ବାଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଜଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଲା ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗାମୁଛାରେ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ମାରିଦେବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ବାଣପୁର ଥାନାରେ ନିଜେ ହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାୟାଧର ସେଠୀ ବାଣପୁର ଆଇଆଇସି ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଦଳବଳେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ମରା କରୁଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ରଖିଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେନ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିକି ଆସିଲୁ ଆଉ କିଏ ମାରିଦେଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେଇଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋଟେ ହୋଇକି ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ନାଁ କ'ଣ ତା ନାଁ ବୁର୍ଲା ଆଚ୍ଛା ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନାରେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଥାନାରେ ଲେଖାପଡ଼ା କରିକି ଆସିଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ନା ଆଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବୁର୍ଲା ଯେଉଁ ମାରିଛି ତାକେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଥିଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି 15-20 ଦିନ ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିକି ସେଇ ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳରେ ରହିଲେ କରୋନା ଭିତରେ ଏବେ ଆସିଛି ଘରକୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେନି ନାହିଁ କଲେ କହିଲେ ଉପର ମହଲାରେ ରହ ଉପର ମହଲାରେ ରଖିଲା ଉପର ମହଲାରେ ବାଡ଼ିଲା ମାଇଲା ହେଇଠି କାଲି ପରଦିନ ଛାତରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଡ଼ିଲା ବୋଲି ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ କହିବ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦିଏ ଯାଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେମନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କେବଳ କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ବରଂ ନୂଆ ଭାରତ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ବିଶେଷ କରି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭାରତର କରୋନା ବିରୋଧୀ ମୁକାବିଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉଭା ହୋଇଛି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 64,500 କୋଟି ପ୍ରଦାନ ଏଥିସହ 30 ଲକ୍ଷ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 1,10,00,000 ମଞ୍ଜୁର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ରେ 2 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଲୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 70 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଖଣି ପାଇଁ 41 କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ଏ ଶବ୍ଦରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅତୀତରେ ମୋଦି ସରକାର ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନଥିଲେ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହମ ରୁଷିଆରୁ ଆସୁଥିଲା କ୍ଷୀରଗୁଣ୍ଡ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ
यही क्षुद्र शिल्प एवं मध्यम शिल्प को अभिवृद्धि करने माननीय प्रधानमंत्री 20 लाख कोटी टंका एक योजना प्रणयन करछंती। योजना फल जो लॉकडाउन शटडाउन होबार जो कलकारखाना बंद हो जाइछि से कलकारखाना रे निजुक्ति रा संभावना नथिबारु बर्तमान मत्स्य उत्पादन ठार आरंभ करी कुकुड़ा एवं घरोई उत्पादन को गुरुत्व दि जाइछि। यही आत्मनिर्भरशील भारत बर्षर एक प्रतीकात्मक संज्ञा। मालकानगिरी पुलिस निकटरे दुई हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण। जणे महिला लाके पुनेम और जणे पुरुष कानामाड़ी। एमाने दीर्घ दिन धरी माओ संगठन रे सामिल रही बहु प्रमुख कार्य तुलाइथिले। कानामाड़ी एसीएम भाव कार्य करुथवा बेले तानारे 4 लाख टंका पुरस्कार राशि घोषणा करा जायथवा बेले लाके माओ संगठन रो सदस्य भाव कार्य करुथिले। तांको नामरे 2 लाख टंका पुरस्कार राशि थिला। एमाने उभय विच्छिन्न अंचल माओ संगठन रे कार्यरत थिबा बेले विच्छिन्न अंचल स्वाभिमान अंचल रे परिणत हेबा परे अंचल रे विकास कार्य ओ पुलिस रो कार्यक्रम देखि एमाने माओ संगठन छाड़ी मालकानगिरी पुलिस निकट रे आत्मसमर्पण करिछंती। आज आम पाखरे माओइस्ट पार्टी जो 2 सक्रिय सदस्य आत्मसमर्पण करी काना जो अच्छी से एसीएम भाव में काम करूला से आम कालीमेला निवासी अच्छा और दूसरा जो अच्छा लाके पुनेम से छत्तीसगढ़ निवासी अच्छा से भी पार्टी सदस्य भाव में काम करूला आम उपर 4 लाख टंका रिवॉर्ड थिला और जो लाके जो अच्छी से पार्टी सदस्य भाव में काम करूला तारे ही 2 लाख इनाम थिला। से माने देखिले कि जो गुरुप्रिया सेतु हेला परे से अंचल रे जमती विकास होची तथापि से विकास को ही एबे पार्टी विरोध करूची तार उदाहरण माने जो जड़ांबोरे घटना ही थिला से देखिके तांको बहुत खराब लागिला कि एत्ते दिन पार्टी को अमर निरीह आदिवासी माने सपोर्ट करिथिले लेकिन एबे जत्ते बेले से माने चाहूचंती से एरिया रो विकास होबो माओइस्ट माने जो लीडर नेता लोग जो अच्छा से माने तांको अपोज करिछंती। ऑनरेबल मुख्यमंत्री अच्छा तथापि डीजीपी सर जो अच्छा तांको अपील करुछंती कि जो माओइस्ट पार्टी रे जो एबे नक्सल माने अच्छा तांके हिंसार रास्ता छाड़ी के मुख्य स्रोत रे आसिके अमर जो विकास रे जो धारा अच्छी तार गोटे पार्ट है के शामिल हों तो से देखिके भी से अपील को देखिके अनुरोध देखिके भी से माने सरेंडर करिछंती। विश्वव्यापी कोरोना माड़े भांगी पड़ी नहांती योग तथा फिटनेस शिक्षक संजय बारिक संगरोध केन्द्र विरक्त होता प्रवासी मानू नियमित भाव तालीम देउछंते। संजय कोरोना संक्रमण भय तथा घर को न जाई संगरोध केन्द्र रे रहुतबा एही प्रवासी को दैनिक तालीम दे समानको मानसिक और शारीरिक स्तर रे फिटनेस कराइबार लक्ष्य रखिछंते। योग सहित डांस माध्यम रे विभिन्न प्रकार पश्चात डांस जुम्बो फ्री हैंड एक्सरसाइज एरोबिक्स मेडिटेशन आदि तालीम प्रदान करी प्रवासी मानू सुस्थ करिबार से लक्ष्य रखिछंते। संजय तेड़ी ब्लॉक रो अग्रणी सामाजिक संगठन जीवन ज्योति संगठन रो जने सक्रिय सदस्य पिलादनरो डांस प्रति संजयंकर दुर्बलता थिला। डिप्लोमा पढ़ुतवा बेले डांस प्रति रहितबा तांकर दुर्बलता पाठ पढ़ारे डोरी बांधी देइथिला। कोलकाता जाय डांस शिक्षा अर्जन करबा परे बॉम्बे स्थित बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर को अनुष्ठान रे अध्ययन करी सर्टिफिकेट हासिल मध्ये करिछंती। एक्चुअली मुझ गोटे योगा टीचर प्लस जुम्बा टीचर एवं फ्री हैंड एक्सरसाइज एवं डांस एक्टिंग एक्टिंग मुझे टीचर अच्छी तो मुझे जो बॉम्बे रे कोर्स करी मिस्टर अनुपम खेर डांस एंड एक्टिंग स्कूल रे से तो मुझे क्लास कंप्लीट करके आसली ट्रेनिंग ये संगरोध केन्द्र तो ये मुझे ट्रेनिंग दूसरी कालकाटा रे मोर स्कूल अच्छी प्लस बॉम्बे रे स्कूल अच्छी लॉकडाउन हवा फल आम तो बाहर के जापारूँ जहाँफल ओडिशा अच्छे ओडिशा थिलापरे जो आम प्रवासी माने अच्छा से माने सेठी रही कि बोरिंग होती फास्ट सेकेंड है भितर जो फिजिकाल एक्टिविटा किसी रोज से माने एमती बसिक रोचे कौन सी फिजिकाल वर्कआउट करूना तो मुझे चाहिए एम को गोटे फिजिकाल एक्टिविटीज किसी करूँ जमीती जुम्बा करूँ फ्री हैंड एक्सरसाइज करूँ योगा करूँ एवं मेडिटेशन करूँ एगुड़ाक कले से भितर मानने बहुत रकम एक्टिविटीज गोटे सक्सेसफुल ये हम एवं से भितर अलग टाइप रोग भी हेनी एवं से खुशी हे मेडिटेशन कला फल से बहुत खुशी हे माइंड रिलैक्स हे और मुझे पचारि प्रवासी मानक केमी आपच्छे से बहुत गुड फिल कर बहुत खुशी लगुच्छे।